नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आपको अपना चैनल एग्जाम दीप। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताज़ा अपडेट के लिए। साथियों, अपना जो केस लिस्ट हुआ है सुप्रीम कोर्ट में कौन से नंबर पर लगा, क्या सुनवाई की संभावना है और टीम के द्वारा जो आज प्रयास किया गया मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देकर उसमें जो क्या क्या संभावना बन रही है, आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। तो आप हमारे साथ में बने रहें। जिस भाई ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले देखो, आज टीम के द्वारा मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया गया है और देखो आश्वासन दिया गया है कि आपका जो मैटर इसमें हाई कोर्ट में या जहाँ भी कोर्ट में चल रहा है, इसका शॉर्ट आउट जल्दी कराया जाएगा अधिकारियों के द्वारा। और तो आई का आश्वासन दिया गया है और जो अपने केस की हाई कोर्ट में डेट है वो 3 लगी हुई है नवंबर। उससे पहले जो आज दूसरी न्यूज़ गुड न्यूज़ निकल के आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में जो अपना केस लगा हुआ था रूल चैलेंज के लिए, उसमें अपना केस जो है लिस्ट हो गया कल के लिए। और उसमें जो यू ललित सर की बेंच में अपना केस लगा हुआ था और अब चीफ जस्टिस हैं वो, और उनका रिटायरमेंट 9 नवंबर को है और लगभग ये 15 दिन बच रहे, इनमें हॉलीडे भी होंगे। तो पीछे का जो रिकॉर्ड देखने को मिल रहा है, अब जो लास्ट में यू ललित ने बहुत ताबड़तोड़ सुनवाई की है और लगभग इस समय में लगभग 3,3500 अपने केस जो है निपटाए हैं, उनके फैसले दिए हैं। तो जो संभावना ये है कि ये जो 15 दिन है शायद इसमें अपना केस भी यदि कल सुनवाई हो जाती है और 1-2 दिन लगातार सुनवाई करके इसका मैटर को क्लोज कर दिया जाएगा, इसका जो भी है ऑर्डर लिख दिया जाएगा। और देखो, यदि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो जाती है और इसका जजमेंट आ जाता है, फिर हाई कोर्ट में कोई मतलब नहीं रहेगा सुनवाई का। तो सभी जितने भी पैरवीकार हैं, कोई भी किसी भी पक्ष का हो, अपनी संपूर्ण तैयारी करके अपने जो भी है पक्ष रखने का कोशिश करवाएं अपने वकील से और जल्दी से जल्दी इसकी डेट लगवाने की कोशिश करें, क्योंकि एक बार आप पता है कि डेट यदि निकल गई तो फिर दोबारा से चालू होगी, क्योंकि यू ललित सर तो रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद फिर दोबारा से भी वही प्रोसेस चलेगा। और सुप्रीम कोर्ट में जो हमारे वकीलों के द्वारा पक्ष रखाया गया है, पहले भी इतना धन दिया गया उन्हें, वो भी बेकार चला जाएगा फीस, और अब फिर दोबारा से चालू होगा और समय का और धन का दोनों का ही इसमें देखो नुकसान है। तो साथियों, प्रयास करें, जहाँ से भी कोई कोशिश, जहाँ से भी उम्मीद कुछ भी लगे, 1% भी लगे, वहाँ पूरी कोशिश करें दोनों टीम और अपने वकीलों सुप्रीम कोर्ट में भी यही बात रखें कि कैसे भी करके सर इसकी सीट पूरी भरवाने का ऑर्डर ले लो। जैसे भी हमें 12,460 से मतलब है, हमें 15,000-16,000 वाली भर्ती से ज़्यादा कोई मैटर नहीं करता। कि और देखो, जज साहब भी रिटायर होने जा रहे हैं तो सोचेंगे कि इन बच्चों का भला हो जाए। ऐसा नहीं है कि रूल पे ऑर्डर दे दिया तो ऐसा एक बाहर होगी पार्टी, एक नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वन टाइम ऑर्डर हो जाता है हर भर्ती के लिए, वन टाइम ऑर्डर हो जाएगा और यही होगा, आप देख लेना। ऐसा नहीं है कि पिछली भर्ती वो डिस्टर्ब होंगी, इससे उनका कोई मतलब नहीं है। वन टाइम ऑर्डर हो जाएगा यदि जज साहब चाहेंगे कि जो दोनों पक्ष का इसमें कर दिया जाए, क्योंकि जब हमारे वकीलों के द्वारा बात रखी जाएगी तभी तो ये संभव है कि सीटें इतनी हैं, ये जो भी है आंकड़ा अपना रखा जाएगा और सरकार के वकील जो भी है वो क्या बात रखता है। शायद देखो, सरकारी वकील का वहाँ पर ड्रामा चल रहा है हाई कोर्ट से 5 साल से, सभी बात अपनी रखोगे। अगर वहाँ से इसका निस्तारण हो जाए तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है, अन्य फिर भी हाई कोर्ट में कोई पार्टी हार गई तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट भागेगी, फिर लंबा खींचेगा। देखो, समय बहुत हो चुका है, तो यहीं से ये भगवान ने मौका दिया है तो दोनों पार्टी मिलके जैसे भी जो भी करना है अपनी पूरी तैयारी से अपना जो केस का इसका निपटान करा दे सुप्रीम कोर्ट से। तैयारी ये है कि कल वकील होने चाहिए दोनों टीमों के, ऐसा नहीं है कि कोई वकील या वैसे न पहुँचे। तो कोशिश टीम के द्वारा पूरी की जाए, फ़ोन करना है जा, क्योंकि देखो जा भी सकते हैं, आज सुबह 10 बजे तक कहीं से भी पहुंच सकते हैं टीम, क्योंकि 0 के हो या 51 के हो, हर ज़िले में उनकी टीम है, ऐसा नहीं है कि वहीं से हैं। तो साथियों, समय है, गाड़ी से या जैसे भी पहुंचना है या अपने टीम से जैसे भी करना, वकील से कैसे भी करके इसका निस्तारण करवा दो, सुनवाई करा दो और 1-2 दिन यदि इसकी सुनवाई हो जाती है तो इसका निस्तारण हो जाएगा, 100% है ये, और फिर इससे आगे जो भी होगी इसी पर ही भर्ती हो जाएगी। तो आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी।
यदि हमें कोई इससे रिलेटेड कोई अन्य जानकारी मिलती है तो वो भी आपको वीडियो के माध्यम से बता दी जाएगी। तो साथियों हमारे साथ में बने रहें और आगे भी शिक्षक भर्ती व अन्य अपडेट को मिलेगी तो आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। तो नमस्कार साथियों, धन्यवाद, फिर मिलेंगे ताज़ा अपडेट के साथ।